तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीएससी कैंपस स्टडी में। फ्रेंड्स, अभी बिहार बोर्ड का बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर का बड़ा घोषणा, मैट्रिक इंटर 2020 परीक्षा का रिजल्ट का परिणाम किस तिथि को जारी किया जाएगा। यहाँ पे बिहार बोर्ड के बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर के द्वारा अभी यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पे बतलाया गया है। तो दोस्तों, एक बार फिर से दोबारा रचेगा बिहार बोर्ड इतिहास, क्योंकि पिछले वर्ष बिहार बोर्ड ने मात्र 30 दिन में मैट्रिक इंटर का रिजल्ट घोषित कर दिया था, जिससे कि और बोर्ड देखकर काफ़ी यहाँ पे चकित रह गए थे। इसलिए फिर से एक बार दोबारा रचेगा बिहार बोर्ड इतिहास, कब जारी किया जाएगा मैट्रिक इंटर 2020 परीक्षा का परिणाम, ये यहाँ पे अभी यहाँ पे कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार बोर्ड के अध्यक्ष जो कि बतलाए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि जो इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको बिहार बोर्ड से जुड़ी न्यूज टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट चलते हैं मेन मुद्दे की ओर, कि कब जारी किया जाएगा मैट्रिक इंटर 2020 परीक्षा का रिजल्ट का परिणाम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात किया जाए ट्वेल्थ का, ठीक है, यानी इंटरमीडिएट का बात किया जाए, तो इंटर का रिजल्ट जो कि 29 मार्च को शाम 5 बजे इंटर का रिजल्ट जो कि जारी कर दिया जाएगा। वही बात किया जाए मैट्रिक का, तो मैट्रिक का रिजल्ट जो कि 9 अप्रैल को शाम 5 बजे मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आप लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो गए, क्योंकि अभी यहाँ पे कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभी यहाँ पे आज 8 मार्च को यहाँ पे कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पे बताया गया है बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के द्वारा, कि इंटर का रिजल्ट, इंटर परीक्षा 2020 का रिजल्ट का परिणाम जो कि 29 मार्च को शाम 5 बजे जारी किया जाएगा। वही बात किया जाए मैट्रिक का, तो मैट्रिक का 9 अप्रैल को शाम 5 बजे के पहले यहाँ पे मैट्रिक का परिणाम जो कि जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, एक बार फिर से दोबारा रचेगा इतिहास बिहार बोर्ड, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा कि कब यहाँ पे जारी किया जाएगा रिजल्ट। तो आप लोग आराम से दिल थाम के बैठे रहिए, आपका इंटर का रिजल्ट जो कि 29 मार्च को शाम 5 बजे, वही मैट्रिक का 9 अप्रैल को 3 से 4 बजे यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यही था बिहार बोर्ड की तरफ से इंफॉर्मेशन। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि एक बार क्या बिहार बोर्ड फिर से दोबारा रचता है इतिहास या नहीं। 29 मार्च को यदि जो रिजल्ट दे दिया जाता है इंटर का, तो एक बार फिर से दोबारा रच देगा इतिहास। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।